लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच वॉर शुरू हो गया है। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर जंग छिड़ चुकी है। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बीजेपी ने एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक पोस्टर शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी को नए युग के रावण के तौर पर दिखाया गया है। इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है कि नए युग का रावण यहाँ है, धर्म का विरोधी, इसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है। अब जब बीजेपी ने राहुल गांधी का पोस्टर बनाया तो अब इसमें कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी के पोस्टर के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर बनाया, जिसे एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी को कारोबारी अडाने की कठपुतली बताया गया। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर को लेकर यह तनातनी उस समय शुरू हुई जब कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्टर शेयर कर पीएम मोदी को सबसे बड़ा झूठा बताया था। बीजेपी के इस पोस्टर पर कांग्रेस भड़क गई और उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि रावण का पोस्टर स्पष्ट रूप से राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा उकसाने की नीयत से पोस्ट किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के आधारिक हैंडल के जरिए राहुल गांधी को रावण के तौर पर दिखाने वाला पोस्टर आपत्तिजनक है। यह स्पष्ट रूप से कांग्रेस सांसद के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाला है। वहीं इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, आप राजनीति और बहस मुबहसे को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं? आपकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जो हिंसक और उकसाऊ ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या उसमें आपकी सहमति है? ज्यादा समय नहीं बीता, आपने सुचिता की कसम खाई थी, क्या वादों की तरह कसमें भी भूल गए? वहीं बीजेपी के पोस्टर के जवाब में कांग्रेस ने भी एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में पीएम मोदी को अडानी की कठपुतली की तरह दिखाया गया और लिखा गया कि इनकी डोर उसके हाथ में है। वहीं राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को रावण बताकर उनकी जान को खतरा पैदा किया जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के नेता जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेताओं पर केस भी दर्ज कराने की मांग की गई है। वहीं दिल्ली से लेकर जयपुर तक और गुजरात से लेकर जम्मू और दूर दक्षिण केरल तक कांग्रेस पार्टी इस पोस्टर को लेकर बौखलाई हुई है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बीजेपी का विरोध कर रही है, पुतले जला रही है, नारे लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने उनके नेता राहुल गांधी की तस्वीर का विकृत चित्रण करके उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है। सोशल मीडिया पर यह सांकेतिक लड़ाई ने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। यही वजह है कि एक तरफ पीएम को तुगलक करार दिया जा रहा है तो राहुल गांधी को धर्म विरोधी, राम विरोधी करार दिया जा रहा है। हालांकि भारत की राजनीति में रावण की दखल पहले भी कई बार हो चुकी है। गुजरात में चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ने पीएम मोदी को 100 सिरों वाले रावण की तरह बता दिया था। तब भी सियासत में शुचिता का सवाल उठा था और ये सवाल तब भी उठा था जब पिछले महीने लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।